भी करेंगे हम महादेव। विनम्र हृदय से पुष्प का सहारा लेके अर्पण करने का ये क्षण सदा अविस्मरणीय रहेगा धराधाम को। ये साहब से कि प्रथम पुण्य स्मृति दिवस में हम आप आज सभी लोग शामिल हैं, जहां हैं वहीं से अपने हृदय के पुष्प का अर्पण इनके चरणों में करेंगे, कर रहे हैं हम आप। हृदय पुष्प का अर्पण हम आप सभी जहां हैं वहीं से साहब दीदी का अनुपम गृहस्थ जीवन के सभी पात्र आज उपस्थित हैं, पुत्र पुत्री पुत्र वधु दामाद नाती नाती तो नहीं नातिन पोती, देखिए कितना प्यारा परिवार है। साहब श्री के अनुज छोटे भाई, हम लोगों के अंकल हरानंद अंकल, वो भी हमारे आपके बीच हैं। ये सौभाग्य है, कितना खूबसूरत परिवार है धरती पर हमारे साहब दीदी का, जिसकी रचना आरंभ हुई 31 अक्टूबर 1948 से सिवान जिले के अमलोरी गांव में शिक्षा पदाधिकारी के घर में। यह आध्यात्म का अप्रतिम चिराग का उदय हुआ। आइए उनके साथ जीवंत पल को गुजारने वाले हरानंद अंकल साहब श्री के मित्र भाई सखा क्या कहूं, लेकिन आपसे आग्रह है कि आप बारिश साहब दीदी के आशीर्वाद से बिल्कुल बंद हो चुकी है, आकाश साफ है, खुल गया मौसम। आप थोड़े फैल भी जाएं, थोड़े पीछे भी चलें, इतना कसमकस भरा यदि हम खड़े रहेंगे तो हम प्रार्थना से चूक जाएंगे। एकदम मौसम खुल गया है, हम आप थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगे, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी जगह आपकी है। ये साहब दीदी की व्यवस्था है, हमारी आपकी व्यवस्था है। आइए हम सभी मिलकर अनुरोध करते हैं साहब दीदी के साथ बड़ा अनुपम पल एक भाई के रूप में हम हरानंद अंकल जी से आग्रह करते हैं कि वो आए और हमारे साहब श्री के साथ भाई के रूप में सखा के रूप में उनका समय गुजरा है, जीवंत जीवन गुजरा है। हम उनकी अभिव्यक्ति को सुनेंगे आज इस प्रथम पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर। साहब हमारे हृदय में सदा जीवंत हैं। आइए हरानंद अंकल से। आज की इस श्रद्धांजलि की बेला में सबसे पहले मेरा प्रणाम
और देवों के देव महादेव को याद करते हुए मैं अपने बड़े भाई अपने भैया के विषय में इस पावन बेला में दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कालजयी सत्ता की तरह जीते हैं, समय जिन पर अपना अनुशासन नहीं चलाता, जो समय पर अपना अनुशासन चलाते हैं ऐसी विभूतियों को कालजयी सत्ता कहते हैं, जो समय पर विजय पा चुके हैं। ऐसी ही एक विभूति मेरे बड़े भाई भैया के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं दो चार बातें जरूर कहना चाहूंगा। मैंने बचपन से उनके साये में अपना जीवन जिया है। माता पिता तो थे ही, पर मेरे बड़े भाई जो थे वो दरअसल हर प्रकार से मेरे अभिभावक थे, मेरे गार्जियन थे और एक टीचर भी थे। मैं टीचर इसलिए कहूंगा कि जहां भी बचपन में मुझसे गलतियां हुई, एक बच्चे के रूप में या एक गलतियां जो होती हैं किशोरावस्था में, उन्होंने हर समय उस पर नियंत्रण किया, मुझे समझाया और हमेशा सही रास्ते का ज्ञान देते रहे। ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में था और भैया कॉलेज में थे, साहेबगंज कॉलेज में पढ़ रहे थे। मैं आपको एक छोटी सी घटना जो इस पल मुझे याद आ रही है और हमेशा याद आती है, उन दिनों मैं बचपन में कंचे खेलता था, पता नहीं कंचे को आप लोग क्या बोलते हैं, गोली खेलता था, वो छोटी सी गोल गोल गोलियां होती थी। तो वो कॉलेज से आते थे तो हम लोग नजर रखते थे कि भैया कॉलेज से आ रहे हैं, उसके पहले हम लोग गोली खेलने के स्थान से गायब होने की कोशिश करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कंचे खेलने में हार गया और मैं जिसके साथ खेल रहा था वो मेरे घर में एक महिला आती थी काम करने, उनका बेटा था, तो उसने मेरे कॉलर को पकड़ लिया और मैं बहुत अहिंसक प्राणी रहा हूं, मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता, मैं चुपचाप खड़ा था। अचानक मैंने देखा कि बाईं ओर से भैया कॉलेज से लौट रहे हैं। मेरी स्थिति तो यह हुई कि शरीर का आधा खून तो डर से ही सूख गया, हम लोग बहुत डरते थे, बड़े भाई से डरना स्वाभाविक भी है। वो आए, वहां पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, इशारा किया उन्होंने कि चलो घर चलो। हम दोनों घर में आए, क्या हुआ उसके बाद उसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं, मेरी अच्छी खासी पिटाई हुई और कहा कि पढ़ने की उम्र में तुम ये कंचे खेलने का कहां से सीख रहे हो, और फिर मेरी इस उंगली की ओर इशारा किया, वो कंचे खेलने से मेरी एक उंगली थोड़ी सी झुक गई थी, टेढ़ी तो नहीं झुक गई थी जो हो जाती है। और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात थी जिसकी ओर मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे वो गोलियों का गुच्छा कहाँ है। तो मैंने पुरानी गोलियों का कंचे का एक गुच्छा रखा था और नए कंचे का गुच्छा छुपा के रखा था,
घर के सामने एक बहुत बड़ा कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था। तो पहले उन्होंने मेरे पुराने गुच्छे को मांगा और उसको अच्छे निशाने से घर से ही उस कुएं में फेंक दिया। मेरी तो आत्मा चित्कार कर उठी, क्योंकि मुझे लगा मेरा पूरा भविष्य अंधेरे में चला गया, मेरी प्यारी गोलियां चली गईं। उसके बाद उन्होंने कहा, ये तो पुरानी गोलियां हैं, नई गोलियां कहाँ रखी तुमने छुपा के? और मैं रोता पीटता हुआ किसी तरह डर के मारे मैंने वो नई गोलियों का गुच्छा निकाला। उस गुच्छे के साथ भी उन्होंने वही किया, वो बहुत अच्छे निशानेबाज भी थे, ही वॉज अ शार्प शूटर। बाद में जब वो राइफल और बंदूक का निशाना करते थे तो बहुत अचूक निशाना था उनका। तो उस निशाने का प्रयोग करके उन्होंने मेरे नए गोलियों के गुच्छे को भी दूर कुएं में फेंक दिया। वो कुआं भी बहुत दूर था, करीब 40-50 फीट दूर था। लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि मैं एक दो दिन तक तो बहुत उदास रहा, क्योंकि मेरी प्यारी वो गोलियां चली गईं। मैं उसमें क्लास 3 में पढ़ता था, 7-8 साल उम्र रही होगी। लेकिन उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी भी कंचे नहीं खेले, और जो मेरा समय थोड़ा बहुत इन गोलियों के पीछे बर्बाद होता था वो सारा समय मेरा पढ़ाई में लगने लगा। भैया का डिसिप्लिन ऐसा था कि हमारी दो बहनें भी थी, हम तीनों उनसे छोटे थे, वो जब भी घर में रहते थे हम लोग किताब कॉपी लेकर बैठे रहते थे, क्योंकि कब कहां से क्या पूछ लिया जाए कि तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, ये डर हमेशा रहता था। तो ये अनुशासन हम लोगों ने उनसे सीखा बचपन से, जो बहुत जरूरी है किसी भी आदमी के जीवन में। अनुशासन के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इस अनुशासन के साथ जो उन्होंने प्यार दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो जीवन के उन अमूल्य धरोहरों में एक है जिसे मैं आज भी संजो कर रखा हूं। और आज इस श्रद्धांजलि सभा में आपके बीच इसलिए खड़ा हूं कि उनकी बहुत सी यादें मेरे जहन में आंधी और तूफान की तरह घूम रही हैं। मैंने बचपन से देखा कि उनकी ईश्वर में अध्यात्म में बहुत गहरी रुचि थी, और मैं जब स्कूल में था सहरसा में तो घर के किनारे कोशी नदी बहती थी और वहां पर शमशान भी था। तो रात में भैया शमशान में चले जाते थे और वहां जाकर साधना करते थे। हमें इसका पता नहीं चलता। एक दिन रविवार के दिन मां ने कहा कि चलो उनके कमरे की सफाई कर लेते हैं। हम लोग छोटे थे तो मां के आदेश का पालन तो करना ही था। तो हम लोग कमरे की सफाई में जुट गए, मैं और मेरी दो बहनें। मेरे भैया कहीं बाहर थे। तो जब हम लोगों ने उनकी अलमारी खोली तो अलमारी से एक नरमुंड मिला। मां तो घबरा गई कि ये अलमारी में किताबें रहती हैं, ये नरमुंड कहां से आया? फिर वो उसको हम लोग आंगन में ले आए, तब जाकर पता चला कि चोरी छुपे कोशी नदी के किनारे रात में शमशान में साधना करते हैं। और वही जो उनकी ईश्वर के प्रति एक अप्रतिम प्यास थी वो उनको इस मोड़ पे ले आई है जहां आप सभी उनको देख रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भगवान शिव महादेव, जिन्हें देवों का देव कहा गया, जो हमारे इस पवित्र भूमि में, भारतवर्ष की भूमि में आए थे, वो प्रत्येक भारतवासी के हृदय में बसे हुए हैं। महादेव, हम माने या ना माने, हम समझे या ना समझे, पर
उन्होंने इतनी बड़ी इस सभ्यता को देन दी, हिंदू संस्कृति की बुनियाद रखी महादेव ने। और हमारे भैया ने क्या किया, उस सोई हुई आग को फिर से जला दिया। मैं ऐसा नहीं कहता कि महादेव को लोग भूल गए थे, कोई भूल भी नहीं सकता है ईश्वर को, जो दुनिया को चला रहा है, दुनिया का नियामक है, उसको भूलकर कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन जो बड़ी उन्होंने चेतना फैलाई कि हर घर तक महादेव का संदेश पहुंचाया। मैं अपने कार्यकाल के दौरान, सर्विस के दौरान, देश के कई हिस्सों में मैंने काम किया, जयपुर रहा, कलकत्ता रहा, हैदराबाद रहा, कई और जगहों पर मैंने काम किया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ रहा मैं। मैंने ये देखा कि गांव गांव में शिव चर्चाएं हो रही हैं। मैं कई बार दफ्तर में बैठा रहता था तो मुझे खिड़की से आवाज आती थी लाउड स्पीकर पर भजन की, तो मैंने खिड़की खोली ये समझने के लिए कि ये भजन किसका चल रहा है। ये बात मैं आपको करीब 15 साल पुरानी बता रहा हूं। तो मैंने देखा कि शिव चर्चा चल रही है। फिर मैंने देखा कि मेरे कई वरिष्ठ अधिकारी वो मेरे पास सिफारिश के लिए आए कि मुझे इनसे मिलवा दीजिए। तो मैंने पूछा, भाई वो मेरे बड़े भाई हैं? बोले, नहीं, हमारे गुरु भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। धनबाद में भी मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी थे, वो सिफारिश कर रहे थे कि मेरी धर्मपत्नी को मिलवा दीजिए। तो मैंने देखा कि आज भी जो मेरे घर में दिल्ली में खाना बनाता है वो शिष्य है, गुरु भाई है, उसकी मां भी वही है, उसकी पत्नी भी वही है। तो मैंने देखा कि ये जो चेतना हर आदमी में उन्होंने पहुंचाई, ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। और एक बात जो मैंने पहले भी कही है और मैंने महसूस किया है कि सारी दुनिया आज नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन भैया ने जिस तरह हर घर की गुरु बहन को जगा दिया कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए गांव में तो शिव चर्चा लोग करते हुए मिलेंगे, आपको उनकी आवाज सुनाई पड़ेगी, ये जो काम है ये बिल्कुल ही असाधारण उपलब्धि है। और ये काम किसी साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महान सत्ता को मैंने कालजयी सत्ता कहा, क्योंकि लोग तो बहुत बहुत अलग अलग क्षेत्र में बड़े बड़े लोग होते हैं, राजनीति में भी होते हैं, लेकिन हवा जब बदलती है तो लोग उनको भूल जाते हैं। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने लाकर रख दिया, समाज को झकझोर दिया, महादेव की चेतना को जनमानस में इतने दूर तक फैला दिया कि हर आज हिंदू की जबान पर महादेव का नाम है, शिव चर्चा कर रहा है, वो सोच रहा है, वो भगवान शिव के बारे में सोच रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे खुशी है कि आज इस श्रद्धांजलि सभा में भी और इस मौसम के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में सब आए। मैंने देखा कि लोग भींग चुके हैं बारिश में, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी भक्ति है महादेव के प्रति और आपके प्रति। अपने दिल में इस प्यार को बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर से और ईश्वर जैसी सत्ताओं से ये जो मोहब्बत है, यही मोहब्बत जो है वो जिंदगी की ताकत है। बाकी जिंदगी में सब कुछ चलता रहेगा, ये रोटी पानी नौकरी पेशे की बातें,
जीविका की समस्या ये बनी रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होने जा रही है। पर एक सत्ता जो हमेशा आपके साथ है, हमारे साथ है, सबके साथ है, महादेव की सत्ता, वो हमेशा रहेगी। उनको याद करते रहिए। और आज का दिन ऐसा है कि फिर से संकल्पित हो जाइए, इस बात का आप सभी संकल्प ले लीजिए कि जीवन में कोई ऐसी घड़ी नहीं हो जब आप महादेव को और भैया को भूल ना जाएं। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि उनको उनके चरणों में देना चाहूंगा, अपना प्रणाम देना चाहूंगा। जीवन के कई विषम क्षणों में, दुख भरे क्षणों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाला, मैं जानता हूं। मेरी धर्मपत्नी भी जानती है इस बात को, वो हम लोग बराबर इस बात को कहते हैं कि आज वो सशरीर नहीं है तो कई समस्याएं आती हैं। आज वो रहते तो उनसे जाकर पूछ लेते कि इसका समाधान क्या है। तो आज उनकी कमी बहुत महसूस होती है, पर तसल्ली इस बात की है कि महादेव हैं, उनकी सत्ता है, उनके चाहने वाले आप सभी हैं, तो ये दुनिया भी इसी तरह चलती रहेगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम निवेदित है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरिण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में। यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर सप्रेम प्रणाम समर्पित है। आज हम यहां उपस्थित हुए हैं अपने वरिण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी की पहली पुण्य स्मृति दिवस को मनाने के लिए, अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए। उन्होंने हमको जो दिया है, मानव मात्र को दिया है, एक ऐसी चीज दी है जो जीव को शिव बनाने में कारगर है। अपने जीवन के अनुभव को उन्होंने मुक्त हस्त से बिना लाग लपेट के लोगों के बीच दिया है। और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं और सामूहिक रूप से संपूर्ण मानव जाति उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगी। हमको और आपको जो वरिण्य गुरु भ्राता के सानिध्य में मैंने समझा, उन्होंने लिख दिया है आओ चलें शिव की ओर किताब में, कि जो कृतज्ञ व्यक्ति है वो आध्यात्म में प्रवेश नहीं पा सकता और वो शिव का शिष्य कदापि नहीं हो सकता। तो सबसे पहले श्रद्धांजलि के रूप में मैं अपने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं, जिन्होंने एक दोस्त के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक शुभ चिंतक के रूप में और आध्यात्म के क्षेत्र में मार्गदर्शक के रूप में मेरी हाथ को पकड़ करके उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव, जिनको हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा गुरुओं का गुरु, जगत गुरु, आदि गुरु,
इन 10,000 सालों से हमारे बीच में ये विधा आई हुई थी, गुरु हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि भगवान शिव का शिष्य कौन होगा और कैसे होगा। मैं स्वयं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी चकित रह गया था जब उन्होंने कहा कि भगवान शिव जगत गुरु हैं, इसका माने क्या होता है? धरती का एक एक आदमी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, मनुष्य शरीर में अगर है तो वो शिव को अपना गुरु बना सकता है। पता नहीं क्यों ये बिंदु लोगों की समझ में नहीं आया था। साहब श्री हरिनानंद जी वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इस बिंदु को पकड़ा। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सर आप मोक्ष लेके क्या कीजिएगा, एक महादेव तो पहले से हैं, तब तो धरती पर इतना दुख है, आप जो मोक्ष 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 कर रहे हैं, अरे उसको अपना बनाइए। और कैसे बनाइएगा? ये विधा दी, सरलतम विधा दी, कहा ये जगत उस परमात्मा की इच्छा से सृष्ट हुआ है, इच्छा मात्र सृष्टि प्रभो। और कहा कि हमने भी इच्छा की, आज से हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये शिव की शिष्यता एक सोच है, और इस सोच पर केवल आप खड़े रहें पूरे अविश्वास में, पूरी अनास्था में, और साहब श्री हरिनानंद की जिंदगी इस बात का सबूत है कि उन्होंने शिव को गुरु माना था, श्मशान में माना था, रात के 2 बजे माना था, और सिर्फ एक सोच पर खड़े हुए थे कि अब सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे। शर्तें बना दी थी और उन्हीं शर्तों के तहत आजीवन वो खड़े रहे। नतीजा आज करोड़ों लोगों के दिलों में शिव शिष्यता का चिराग जला, लोगों की जिंदगी की दशा और दिशा में परिवर्तन आया। तो पहली बात जो मैंने सीखी कृतज्ञता, दूसरी बात जो वो बराबर कहते रहे भगवान पर भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन मुझ पर मेरे प्रति एक निष्ठ रहना, क्योंकि ये जो राह हमने बताई है शिव शिष्यता की राह, इस राह पर चलने का मुझको ज्ञान है। अगर मेरी उंगली छोड़ के चलोगे तो जंगल में भटक जाओगे, नहीं निकल पाओगे। इसलिए उन्होंने जो दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं इसको अनुभव किया है, मैंने जांचा और परखा है, ये जो शिव शिष्यता की राह है इसके मंजिल पर स्वयं शिव स्वयं बैठे हैं। इस राह पर चलने के लिए उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है उसमें आप ईमानदारी से पालन करें, पालन करें निश्चित रूप से। और आज मैं इस पूरे विश्वास के साथ, अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं कि वो पार्थिव शरीर उनका हमारे पास नहीं है, लेकिन वो हर शिव शिष्य के भीतर में क्रियाशील है। आज हम उनको याद करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, समस्याएं आती हैं, पहाड़ की तरह समस्याएं आती हैं, और साहब दीदी को याद करते हैं, समस्याएं कपूर की तरह उड़ जाती हैं। वो हैं, हमारे दिलों में हैं, और उनका संकल्प एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना। उन्होंने बार बार कहा कि मैंने अपने 40 वर्षों की जिंदगी में, अध्यात्म के जीवन में सिर्फ एक काम किया, शिव के लिए किया, जगत गुरु शिव को, जगत गुरु शिव को। तभी जगत गुरु कहा जाएगा जब एक एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुरूप उनको अपना गुरु बना सकेगा। और इस दिशा में उन्होंने जो रास्ता दिखाया है वो अपने आप में अनूठा है, अपूर्व है और परिणामदायी है। जरूरत है इस संकल्प को याद करने की, इस संकल्प पर चलने की। और जाते जाते 28 अगस्त को साहब ने अपनी अंतिम
वाणी में कहा था, स्वयं शिव शिष्य बनो, दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करो और अपने महादेव से अपने लिए दया मांगो कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हो। महादेव हैं, वो जगत में हैं, सबके हैं, और वो कहते थे कि जो सबका है वो किसी का नहीं है, इसलिए उसको अपना बनाओ। उन्होंने नहीं कहा कि हे शिव आप जगत गुरु हैं, उन्होंने कहा सोचो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, उसको अपना बनाओ और आप बना करके देखेंगे आपके जीवन की दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। साहब ने जो विधा दी है उसको मैं प्रायः क्षेत्र में चर्चाओं के क्रम में कहा करता था कि साहब ने जो दिया है हम सभी जानते हैं, व्यवहार में नहीं उतार पाते हैं। क्या कर भला तो हो भला, सभी जानते हैं। क्या भला करेंगे, वो कौन सी चीज है? साहब ने कहा कि आप दूसरों को शिव शिष्यता के लिए प्रेरित कीजिए, इससे बढ़िया काम इस मानव शरीर से और दूसरा कुछ नहीं है। और ये बोलने में आपका क्या खर्च जाता है, कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, आप केवल इतना तो कहिए, ईमानदारी से कहिए कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में यदि महादेव प्रवेश कर जाएं गुरु के रूप में तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा, संपूर्ण मानवता प्रेम के पराग से सुगंधित हो उठेगी, इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। और अंतिम बात जो साहब ने मुझको समझाया और समझाने का प्रयास करते रहे, क्या कि इस धरती पर आए हो लेकिन धरती का होके मत रहो, रहो तो शिव, जियो तो शिव और बनो तो शिव। जाते जाते साहब ने कहा कि मरने के समय सब भूल जाइए, एक बात याद रहे कि वह महादेव मेरा है। शायद आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन वो कहा करते थे, बड़ा अंदाज से कहते थे, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर जूली एक बात नहीं भूली, क्या? आई लव यू। महादेव को याद रखना है और कैसे याद रखना है इसके लिए उन्होंने जो एक साइकोफिजिकल टेक्निक दिया, तीन सूत्र दिया, आजमा लीजिए आपकी जिंदगी में जो दशा और दिशा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं आए तो मेरे नाम पर कुत्ता पूछ लीजिए। तो इसी निवेदन के साथ साहब श्री से ये विनती करता हूं कि उनकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहें और जिंदगी का एक एक पल उनके इस संकल्प को साकार करने की दिशा में लग जाए, एक एक व्यक्ति सचमुच में शिव का शिष्य हो जाए, यही संकल्प लेकर के हम यहां से विदा होंगे और अपने जीवन के सारे उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से पालन करते हुए इस संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हेलो महागुरु महादेव, हेलो 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 साहब दीदी को मेरा प्रणाम। हेलो हेलो उपस्थित सभी शिष्याओं को मेरा प्रणाम। आज साहब की प्रथम पुण्य स्मृति दिवस में हम लोग भाग ले रहे हैं, मेरी श्रद्धांजलि है, मेरी कृतज्ञता उनको समर्पित है और मेरा निवेदन भी होगा आप सभी से कि साहब ने जो बात हम लोगों को बताई है, जो तीन सूत्र दिया है और महादेव को अपना बनाने के लिए बोला है,
महादेव को अपना समझने के लिए बोला है, अपना गुरु समझने के लिए बोला है, इस पर हम लोग कायम रहे। साहब शरीर से उपलब्ध नहीं है लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो आज भी काम कर रही है, हम लोग अनुभव करते हैं, दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, चाहे फोटो देख के अनुभव करें या ऐसे ही अनुभव करें, उनसे दया मांग के देखें। हम सभी से उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो दया है, उसका अनुभव दिन प्रतिदिन कर रहे हैं और ये हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग उनके संदेश, उनकी जो बात है, तीन सूत्र है, उसको अगर करते रहेंगे तब तक हम लोग उनकी जो उनको अनुभव करते रहेंगे, साहब को अनुभव करते रहेंगे। साहब हर शरीर में हैं, हम सभी शिव शिष्यों के साथ हैं और क्रियाशील हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी, शिव शिष्यता रहेगी, साहब का ये संदेश रहेगा और साहब रहेंगे। इतना ही कहकर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। साहब की पंक्ति, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। उनका ये जीवन इस धरती पर एक ऐसा जीवन रहा जिसमें प्रतिदिन उनके सामने इस दुनिया का तमाशा चलता रहा। कोई रोता है, कोई हंसता है, किसी को शिकायत है, किसी को प्रेम है। मैंने कभी पढ़ा था कि दुनिया के लोगों ने महादेव को, देवी और देवताओं ने महादेव को हलाहल का पान करने का निवेदन किया और महादेव ने उस हलाहल का पान भी कर लिया, लेकिन दुनिया को उन्होंने अमृत बांटा। दुनिया के लोगों ने महादेव के शिष्य के लिए जो भी किया हो, लेकिन महादेव के शिष्य ने अमृत ही बांटा, सबको शिव शिष्यता की जीवंत सुगंध दी, जीने का एक उद्देश्य दिया जो शुभ्र है, चिन्मय है, शुभ्र प्रकाशित है, चिन्मय है, ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाया है। जब भी उनके लिए कोई गुरु भाई या गुरु बहन मिठाई या कपड़े लेकर आते तो साहब हंस के कहते कि मेरे लिए मिठाई लाए हो, कपड़े लाए हो, मैं इनका क्या करूँगा, अगर ला सकते हो तो शिव को लेकर आना। दुनिया के लोगों को शिव का दान दे दिया बिन मांगे और अपने लिए मांगा भी है तो बस इतना ही कि एक शिव शिष्य दे दो। उन्होंने कहा कि वो शिव जो दिखाई नहीं देता लेकिन वो शिव हजारों हजार पैरों से चलता है, हजारों कानों से सुनता है, हजारों आँखों से देखता है और ये शिव स्वयं शिव शिष्यों के रूप में इस धरती पे चल रहे हैं, विचर रहे हैं, चलते फिरते मंदिर हैं, जहाँ जाते हैं अपने शिव के नाम का दिया जलाते हैं। साहब के शरीर का अंत हुआ है लेकिन उन्होंने कहा कि साधु की मौत नहीं होती कभी। जिस तरह वो शिव कभी भी शरीर में दिखाई नहीं दिया हम लोगों को, लेकिन आज साहब भी शरीर में दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे मन में सदैव विराजमान हैं। महादेव के संग
महादेव के शिष्य भी हमेशा विराजमान हैं और रहेंगे। हम सभी शिव शिष्यों को उन्होंने जीवन जीने का एक ऐसा उद्देश्य दिया है और हाथ थाम कर चलने का वादा भी किया है। आओ चले शिव की ओर। उन्होंने कहा, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये सुदूर वन प्रांतों से आती हुई आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ है, सारे लोगों की आवाज़ है कि हमको जाना कहाँ है, शिव की ओर जाना है, संग किसका लेना है, रहिए चाहे जिसके साथ, जीवन जीना है जिसके साथ उसके साथ जीना ही पड़ता है, लेकिन मन से संग अगर लेना है तो मात्र एक साहब हरिंद्रानंद, साहब मेरा एक है और न दूजो कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हमको उनका साथ लेना है, उनके साथ चलना है, उनके शरीर के हटने से पीड़ा में हैं हम सब, लेकिन उन्होंने जो बल दिया है वो हम सबको ये ताकत देगा, ये सामर्थ्य देगा कि हम इस दुनिया के हर घर में शिव शिष्यता का दिया जला सके। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी साहब के लिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपने गुरु महादेव साहब और दीदी और उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। आज का दिन ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम और आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्यों जमा हुए हैं। आज से ठीक एक साल पहले साहब ने इसी दिन अपना शरीर त्याग दिया था। जो लोग उस दिन आए थे उन लोगों को भी याद होगा, उस दिन भी सांध्यकालीन काफ़ी तेज बारिश हुई थी और पूरी रात हुई थी। आप लोग उस दिन भी इस बारिश में अपने साहब के सानिध्य के लिए, उनके दर्शन के लिए घंटों खड़े रहे। किसी का जाना, इस शरीर को छोड़ना, इस शरीर को त्यागना एक प्रक्रिया है, जीवन है। शरीर धारण किया है तो उसको छोड़ना ही। एक दफे साहब से मैंने पूछा कि साहब बताइए कि भगवान अगर शरीर में आएगा तो उसको कष्ट होगा कि नहीं, वो गलतियां करेगा कि नहीं। साहब ने बड़ी साफगोई से मुझे जवाब दिया कि बिल्कुल करेगा। तो उसी गलतियों को सुधारने के लिए, उसी गलतियों से निजात पाने के लिए, उसी जो हमारी तृष्णाएं हैं उससे निजात पाने के लिए साहब ने पूरी दुनिया को जो रास्ता दिखाया है, हमको आपको उसके रास्ते पर चलना है। हमने तो बचपन से देखा है, यहाँ कई लोग ऐसे होंगे उन्होंने भी साहब को देखा है काफ़ी वर्षों से। हमारे चाचा यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बचपन से देखा है, प्रोफेसर साहब ने देखा है, हमारे जज अंकल ने कॉलेज के दिनों में भी उनको देखा है। हम लोगों से ज़्यादा बेहतर ये लोग बता पाएंगे आपको साहब की जीवनी के बारे में, लेकिन एक जितना पुत्र होने के नाते हमने देखा, पाया, समझा। एक साधारण इंसान के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक सामान्य गृहस्थ के रूप में, एक अलौकिक शक्ति, एक पुत्र होने के नाते नहीं, एक सामान्य इंसान होने के नाते जो मैंने महसूस की,
वो विद्यमान थी, है, उसका नज़ारा यहाँ दिख रहा है। आज करोड़ों लोग साहब से जुड़कर उनकी विचारधारा पर, उनकी सोच पर चलकर पूरी दुनिया में शिव के गुरु स्वरूप का अलग जगा रहे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, श्रद्धांजलि पुष्पांजलि तो महज एक प्रक्रिया है। संसार में साल पूरा होगा, दो साल होगा, हम और आप ऐसा कर जाएं कि ये अमिट रहे, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल तक यह प्रक्रिया चलती रहे, हमारे आपके दिल में हमारे साहब के प्रति प्रतिदिन श्रद्धांजलि हमारा आपका दिल अर्पित करता रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। आप जितने भी हमारे भाई बहन अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इतनी दूर से आप आए हैं, बड़े शांतचित्त होकर साहब की ऊर्जा लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए। साहब कहते हैं कि शिव के सिर से आते हैं और चले जाते हैं, लोगों को पता तक नहीं चलता है। थोड़ी कोशिश और थोड़ा आचरण हमको और आपको वैसा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और रही बात बोलने की, तो बोलने का आज वक्त नहीं है ऐसा कि कुछ कहा जाए, लेकिन हम और आप साहब श्री हरिंद्रानंद जी को अपना आध्यात्मिक पिता कहते हैं, करीब करीब सभी लोग कहते हैं। इस बात को समझना होगा कि आध्यात्मिक पिता का अर्थ क्या होता है। हम लोग बोलने को तो बोल देते हैं लेकिन समझ नहीं पाते उसको। आध्यात्मिक पिता अध्यात्म खुद को जानने का विज्ञान है, खुद को समझने का विज्ञान है। और साहब ने हमको और आपको उस ईश्वर की समझ हमारे आपके दिलों में, हमारे आपके विचार में पैदा किए। अगर सचमुच में कहा जाए तो सचमुच में अगर कोई पिता है तो वो साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं। दूसरा कोई पिता इस धरती पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको उस शिव से जोड़ने के लिए चले। कोशिश हमारी और आपकी यही होनी चाहिए कि जो साहब और दीदी का संकल्प है उस संकल्प को अपना बनाइए, बड़े प्रेम से, सौहार्द से अपने गुरु का काम करिए, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। आप सबों से मेरी यही दरखास्त है, गुजारिश है, आप सबों के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। माँ पापा, वी मिस यू। साहब दीदी, हम सबको आपकी बहुत याद आती है। हम लोग आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और आज के दिन अपनी श्रद्धा आपके चरणों में अर्पित करते हैं। प्रणाम।